सो गाइज, आज है डे टू और आज भी मैं गुराई बीच में हूँ। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन वीडियो शेयर किया है और ब्लॉग भी शेयर किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अभी सुबह सुबह के 8 बज रहे हैं। कल की पार्टी बहुत लेट नाइट चली थी क्योंकि ऑब्वियसली एनिवर्सरी था और आज मैं लेट से उठी हूँ। आप देख सकते हैं मैंने मेकअप भी अपना बहुत ज़्यादा नहीं उतारा है इस वक्त। और अब मैं आप लोगों को नीचे लेकर के चलती हूँ क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट करना है और सी बीच पे जाना है वॉक के लिए। एंड गाइज, यहाँ पे मैं आ गई हूँ और इट्स सो ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत। और लाइफ में क्या चाहिए, मुझे तो यही लगता है कि बस ये सारी चीज़ें मिल गई ना तो सब आपकी लाइफ बिल्कुल कंप्लीट है। एंड गाइज, आई एम अ बिग नेचर लवर्स, मुझे बहुत पसंद है नदी, तालाब, झरने, समुद्र, राइज। मुझे हर लोग बोलते हैं कि तुम हमेशा सनसेट व्यू का वीडियो बनाती हो, तुम नेचर की वीडियो बनाती हो। क्या करूँ गाइज, मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। सो चलिए, आप इस व्यू को इंजॉय कीजिए, मैं आप लोग के आगे मिलती हूँ। गाइज, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये दीनू रिजॉर्ट है, ये बिल्कुल बीच के पास ही है और इसके बगल में बहुत सारे रिजॉर्ट हैं। आपको इस एरिया में बहुत सारे रिजॉर्ट मिल जाएंगे बट अभी कोविड के कारण मोस्टली बंद है, जो ओपन है सो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इस दीनू रिजॉर्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत ही खूबसूरत, क्यूट सा, अफोर्डेबल रिजॉर्ट है। और ये मॉर्निंग का टाइम, यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा था, आप देख सकते हैं गाड़ी में जो बलून्स वगैरह लेकर के हैं। चलिए अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, मैं हूँ यहाँ पे गोराई बीच पे, बहुत खूबसूरत बीच है, बहुत साफ सुथरा है और आप देख सकते हैं मॉर्निंग का टाइम है, अराउंड ये 8 o'clock हो रहा है। एंड मेरी बैक साइड में आप देखिए पूरा समुद्र है। मैं आपको 360 डिग्री व्यू दे रही हूँ, आपको पता चल रहा होगा कि मैं अकेली हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। बट मेरा जो लोकेशन है वो वहाँ पे कोई नहीं था, बट बहुत खूबसूरत है। मॉर्निंग के टाइम में बस मोस्टली वॉक और फोटोशूट वाले ही आते हैं जिनको वेडिंग फोटोग्राफी वगैरह लेना है। और यहाँ पे रेस वगैरह चल रही थी, रेस की प्रैक्टिस चल रही थी जो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत यूनिक लग रहा था। और ये खूबसूरत सा कोकोनट ट्री, ग्रीनरी और सी का व्यू अपने आप में बहुत ही खास और बहुत अमेजिंग बनाता है। सो गाइज, आज मैं आप लोग के साथ कंप्लीट गुराई बीच का टूर, छोटा सा टूर वीडियो बनाई हूँ। और यहाँ पे मैं छत पे गई और छत से भी बहुत खूबसूरत व्यू था, मैंने हर कोने कोने से आपको सिर्फ व्यू ही व्यू मिलेंगे। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और आपको मेरी ब्लॉगिंग कैसी लगती है ये भी बताइएगा। सो गाइज, चलिए आप इस व्यू को इंजॉय कीजिए। गाइज, हमने स्विमिंग पूल में भी बहुत सारी मस्ती की थी, मैं, मेरी फ्रेंड्स और मेरे हस्बैंड, बहुत बहुत मस्ती की थी। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी स्विमिंग आती है, मेरी फ्रेंड को भी बहुत अच्छी स्विमिंग आती थी बट मुझे नहीं आती, तो इन दोनों ने मेरा बहुत मजाक बनाया, बहुत बहुत ज़्यादा मजाक बनाया।
और आप भी देखिए और इसे इंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा लगता है ना जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ इतनी मस्ती करते हो, तो आपका पूरा डे कंप्लीट होता है यहाँ पे। और यहाँ पे अब इट्स माय टाइम, और देखिए आप खुद देख लीजिए कि क्या होता है मेरे साथ। डूब जाऊंगी। अभी आ रही तेरे को अंदर अंदर की तरफ लेती रुक। आ रही हूँ आ रही हूँ। सर का चश्मा गया। हाँ सही है। गाइस यहाँ पे हमारे कुछ स्लो मोशन वीडियोस भी हैं जो अपनी याद के तौर पे मैं इसे आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये यादें कभी नहीं मेमोरी से निकलने वाली होनी चाहिए। और हमें बहुत मज़ा आया, और शायद आपको भी ये ब्लॉग देख करके मज़ा आ रहा होगा। और आप भी अगर अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं तो बेझिझक आप जा सकते हैं। और यहाँ पे आज जो डे टू में हमने यही मस्ती की, हमने स्विमिंग की और सी बीच पे गए, और वहाँ भी हमने समुद्र में भी नहाया, अपने पेट्स को भी लेकर के पानी में गए, क्योंकि पेट्स को भी बहुत मज़ा है। लैब्राडोर, स्पेशली जो लैब्राडोर्स होते हैं उनको स्विमिंग करना, उनको पानी में जाना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आगे मैं उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के चलूँगी। अभी आप बस ये स्लोमो एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा पेट ये कोको है, उसके बाद जोई को भी हम पानी में लेकर के आएंगे। वो पहले जोई का फर्स्ट टाइम था, वो थोड़ी सी डर रही थी, बट उसने भी काफ़ी इन्जॉय किया और हमने तो इन्जॉय किया ही किया था इसमें, नो डाउट हमने बहुत इन्जॉय किया। एंड गाइस बस ये था हमारा 2 डेज़ का प्लान। इसके बाद हम अपना मस्ती मजाक करने के बाद सिर्फ सीधे अब थोड़ा सा हम फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के मतलब लंच वगैरह करेंगे। लंच करने के बाद सीधे मैं आप लोग से मुंबई में मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो आपको मेरा आज का गोराई बीच ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको गोराई बीच से रिलेटेड कुछ जानना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर मैं फ़्रेश हो गई हूँ। और गाइस ये जो मैंने ड्रेस लिया है वो मिंत्रा से मैंने लिया है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये मैं आपको थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत क्यूट सी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आपको बच्चों के लिए प्ले जोन भी है, साथ में स्विमिंग पूल मिलता है, खाना खाना भी बहुत डिलीशियस था यहाँ पे। आप वेज खाना, नॉन वेज खाना, इटालियन, चाइनीज़, कुछ भी कॉन्टिनेंटल कुछ भी ऑर्डर करके खा सकते हैं। और बैम्बू रिजॉर्ट है साथ में, आपको बहुत सारे आप अराउंड 500,000 लोगों की कैपेसिटी वाला ये रिजॉर्ट है, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे हमारी कुछ यादें पिक्स है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एज माई मेमरी। और आप लोग के साथ इसी वीडियो के साथ, इसी ब्लॉग के साथ मैं लेती हूँ अलविदा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ नए सी जगह की खोज करते हुए। चलिए कुछ मस्तियों को आप भी इंजॉय कीजिए जो यहाँ के लोकल लोग इंजॉय कर रहे थे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय एंड मैं इस व्लॉग को यहीं पे द एंड कर रही हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पता नहीं बाबू, पता नहीं। मेन रोड पे आगे, मेन रोड पे।
अच्छा इधर तुमने रास्ता नहीं है ना? मैं वो कपड़ा देने को। हाँ दे रहा। सॉरी आप इतने नारो तुम्हारा।